नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धम्म संघायन ऑडियो चैनल में। आज हम वर्षावास के बारे में जानने वाले हैं। वर्षावास नाम से ही पता चलता है, वर्षा आवास यानी वर्षा के समय रहने का प्रबंधन। अभी इसके इतिहास के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वर्षावास क्या है, वर्षावास का इतिहास क्या है, वर्षावास कैसा होता है, वर्षावास किन का होता है, वर्षावास में भिक्षु का क्या काम होता है, उपासकों का क्या काम होता है, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए। बोधिसत्व सिद्धार्थ राजकुमार ने 29 की आयु में गृहत्याग कर 6 साल अनेक प्रकार की ध्यान साधना कर कठिन परिश्रम किए और आखिर गया नगरी में निरंजना नदी समीप युवा बोधिवृक्ष के नीचे अधिष्ठान कर विपश्यना की खोज के और वैशाख पूर्णिमा के मंगल सुबह बुद्धत्व की प्राप्ति की। भगवान ने अगले 7 सप्ताह तक वहीं पर ध्यान का आनंद लेते हुए बिताए। अपने अर्जित किए इस ज्ञान को किसे बताऊं, किसे इसका लाभ हो, सोचकर भगवान बुद्ध इसिपतन मृगदाय सारनाथ अपने पूर्व ध्यान साथी कौंडिन्य, वप्प, भत्तीय, अस्यजीत और महानाम की ओर चल पड़े। बुद्ध को अपने ओर आते देख पांचों ऋषियों ने भगवान की वंदना कर आदर सत्कार कर उन्हें आसन दिया और सुसमाचार पूछा। सिद्धार्थ का नया रूप देखकर पांचों ऋषि चौंक गए थे। कुतूहल और श्रद्धा के मारे पूछा, सिद्धार्थ इतना परिवर्तन कैसा, क्या लाभ हुआ है तुम्हें? अब मैं सिद्धार्थ नहीं रहा, अब मैं बुद्ध हूं। पांचों ऋषियों द्वारा अपने खोजे हुए मार्ग को बताने की विनंती करने के पश्चात भगवान ने उन्हें अपना मार्ग बताया, धम्म बताया, इस भव संसार को पार करने का जरिया बताया। श्रेष्ठ ऐसा मध्यम मार्ग जो तीनों काल में श्रेष्ठ है, 4 आर्य सत्य जो परम सत्य है, बताकर भगवान ने पहला धर्म कथन आषाढ़ पूर्णिमा को किया। और यह सब आयुष्मान कौंडिन्य को समझ भी आया और इसी के साथ उन्हें निब्बान सुख का आनंद हो, सोतापत्ति फल की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने बताए हुए धर्म से आयुष्मान कौंडिन्य इस भव संसार को पार हो गए और तभी धर्म चक्र परिवर्तित हो गया। इसी प्रसंग को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, जो सिर्फ बुद्ध ही कर सकते हैं। बाकी 4 भी क्रम क्रम से भगवान से धम्म सुनकर विपश्यना ध्यान कर अरहंत हुए और इन्हीं को पंचवज्ञीय भिक्खु संबोधित करने लगे। समय पश्चात राजकुमार यश और उसके 50 साथी ने बुद्ध से धम्म सुन भिक्षु हुए और अरहंत हुए और इस प्रकार बुद्ध को जोड़ कुल 61 अरहंत हुए। और तभी भगवान ने संघ की स्थापना कर भिक्षु संघ को बहुजन हुताय बहुजन सुखाय का आदेश दे चारों ओर भेजा। भगवान खुद गयासिस जाकर तीनों कश्यप बंधुओं को प्रवज्जित कर राजा बिंबिसार की नगरी राजगीर पहुंचे। भगवान ने अपना दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षावास राजा बिंबिसार ने दान किए हुए वेड़ुवन में व्यतीत किया। उस समय भिक्षुगण वर्षा में भी प्रवास करते, पैदल चलते, भिक्षाटन करते और ये सब देखकर लोग हैरान होते, परेशान होते। एक कैसे भिक्षुगण है जो धूप काल में भी चलते, वर्षा में भी चलते और हिमकाल में भी चलते। वर्षा काल में जो छोटे छोटे पौधे उगते हैं उनका मर्दन करते हुए चलते हैं, छोटे छोटे जीव जंतुओं को बिना देखे ही उन पर से चलते हैं, ये कैसे भिक्षु लोग हैं? अन्य संप्रदाय वाले जिनका धर्म इतना अच्छा भी नहीं, वो भी वर्षा के काल में किसी जगह पर लीन होते हैं, जैसे कि कोई पक्षी वर्षा के समय अपने घोंसले में लीन रहता है। ये बातें सुनकर भिक्षु लोग
भगवान के पास गए और भगवान से सारी व्यथा कहे। तभी भगवान ने कहा, भिक्षुओ अनुमति देता हूँ वर्षा में वास करने की, वर्षा वास करने की। भिक्षु ने पूछा कि भगवान किस प्रकार से वर्षावास करना चाहिए, तो भगवान ने कहा दो प्रकार से वर्षावास करना चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन से वर्षावास शुरू करना चाहिए या फिर आषाढ़ पूर्णिमा के अगले पूर्णिमा से वर्षावास शुरू करना चाहिए। इस प्रसंग के बाद भगवान ने वर्षावास करने की अनुमति दी जो कि अगले 3 महीने तक चलता था। वर्षावास की शुरुआत हुई राजा बिंबिसार के दान में दिए गए हुए वेड़ुवन में। इसी प्रकार से हमें विनय पिटक के महामग्ग में वर्षावास के चैप्टर में इसके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। कुछ समय पश्चात एक बार राजा बिंबिसार को यह मालूम हुआ कि इस वर्षा काल में तो एक अधिक मास आने वाला है। इसका विचार करते हुए राजा भगवान के पास गए और भगवान से विनंती की कि भगवान अधिक मास को भी वर्षावास में क्यों न जोड़ दे। राजा की इस विनंती पर भगवान ने विचार कर अनुमति दी अधिक मास को भी वर्षावास में जोड़े। इस प्रकार से यह नियम आगे बन गया कि अधिक मास के समय यानी कि लीप ईयर के समय वर्षावास 4 महीने का होता गया। वर्षावास का कालावधि, जैसे अभी हमने देखा विनय पिटक के महामग्ग में भगवान ने कहा है कि वर्षावास से आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन पूर्णिमा तक खत्म होता है जो कि 3 महीने का है, और लीप ईयर में एक अधिक मास जुड़ जाने से यह 4 महीने का भी हो सकता है। पर अभी वर्तमान में कोई भिक्षु संघ 3 महीने का वर्षावास करता है या कोई भिक्षु संघ यह 4 महीने का वर्षावास करता है। पर हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, वर्षावास होता है और वर्षावास है उपासक संघ और भिक्षु संघ इन दोनों के लिए काफी लाभदायी और गुणकारी है। अब प्रश्न आता है कि वर्षावास कौन कर सकता है? बिल्कुल, वर्षावास सिर्फ भिक्षु संघ ही कर सकता है, भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ। वर्षावास कितने हुए हैं है एक प्रमाण भी है कि कौन सा भिक्षु बड़ा है और कौन सा भिक्षु छोटा है, कौन श्रमण है, कौन भिक्खु है, कौन स्थवीर है और कौन महास्थवीर है। वर्षावास के समय कई सारे भिक्षु लोग एक ही विहार में रहकर 3 महीने व्यतीत करते हैं, एक साथ धर्म पठन करते हैं, सूत्र पठन करते हैं और विनय के बारे में एक दूसरे को जानकारी देते हैं, अपने गुरु से और जानकारी हासिल करते हैं। इस प्रकार भिक्षु संघ के लिए वर्षावास काफी महत्वपूर्ण है और इसी के साथ साथ ध्यान में भी परिपक्व होने का यह उत्तम मार्ग है, क्योंकि 3 महीने तक कहीं आना जाना नहीं होता और विहार में ही अपना अधिक समय व्यतीत करना होता है। इस प्रकार भिक्षु संघ के लिए वर्षावास कई मायनों में इम्पोर्टेंट है। वर्षावास हम उपासकों के लिए किस प्रकार से लाभदायक है? बिल्कुल, भगवान बुद्ध के समय कई सारे संख्या में लोग एक ही जगह पर विहार में रहा करते थे, तो कई सारे उपासक गण भगवान बुद्ध और उनके धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हुए विहार में जाते, विहार कर्म करते, विहार की साफ सफाई या फिर विहार में छोटे मोटे कामों में उनकी सहायता करते। इन्हीं के साथ साथ उन्हें भोजन दान भी वहां विहार में ही ला के देते। अट्ठ परिखार चीवर दान करने में कोई भी कमी नहीं दिखाते, क्योंकि इतना बड़ा संघ जो शील समाधि और प्रज्ञा में परिपक्व है, ऐसा संघ इतनी बड़ी संख्या में बिहार में मौजूद है, तो क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाते हुए भिक्षु संघ को दान धर्म करें, उनसे धर्म सुने और अपने शील को बढ़ाते हुए अपने पारा में पूर्ण करते हुए उपासक इन सारी बातों पर गौर करते थे बुद्ध के समय में। आज हम जहां जहां वर्षावास होता है वहां वहां उस विहार में जाकर बंदे लोगों से मिलकर उनसे दान धर्म करके उनसे हम धर्म सुन सकते हैं। विनय पिटक के महावग्ग के उपोषद खंडक में एक ऐसा प्रसंग भी आता है
जैसे अन्य संप्रदाय को मानने वाले मनुष्यगण सप्ताह में एक बार अष्टमी, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन उन्हें मिलने जाते, दान धर्म करते और उनसे धर्म श्रवण करते। और ऐसा देखकर बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग भी भिक्षु संघों को मिलने के लिए सप्ताह में एक बार अष्टमी के दिन, अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन जाते। पर ऐसा कई बार होता गया कि भिक्षु संघ आकर बस आशीर्वाद ही देता और चुप का चुप ही रहता, और लोग परेशान होते, निंदा करते। फिर ये सारी बातें भगवान के पास पहुंचे और भगवान ने तब भिक्षु संघ को अनुमति दी कि सप्ताह में एक बार धर्म कथा सुनाए, धर्म प्रवचन करें। इसी प्रकार से यह प्रथा चली आई कि जब जब सात दिन में एक बार अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन भिक्षु संघ को मिलने के लिए, भिक्षु संघ को दान धर्म करने के लिए, भोजन दान करने के लिए या फिर भिक्षु संघ से धर्म श्रवण करने के लिए कई सारे लोग अष्टमी, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन विहार में इकट्ठे होते। और यही परंपरा आज भी कायम है हमारे देश में भी और कई विदेश में भी। जैसे हम गृहस्थ लोग हर दिन पंचशील का पालन करते हैं, पर बुद्ध ने बताया है कि गृहस्थों ने सप्ताह में एक बार अष्टशील का पालन करना चाहिए। निब्बान के मार्ग का ध्यान रखने वाले लोगों ने सप्ताह में कम से कम एक बार तो अष्टशील का पालन करना चाहिए। तो क्यों ना वर्षावास के इस समय में, जब इतना पुण्यवान और इतना प्रभावशाली भिक्षु संघ विहार में उपस्थित है, तो हम गृहस्थ इतने लाभदायक मौका क्यों छोड़े। विहार में जाकर भिक्षु संघ को दान धर्म देकर उनसे धर्म कथा सुने, धर्म सुने और अपने शीलों में और अपने आचरण में वृद्धि लाए। इस प्रकार से हम लोग वर्षावास का कई मायनों में उपयोग ला सकते हैं।